करोड़ रुपए दे सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया, उसको 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं? उस परिवार का जो है कि देखभाल कौन करेगा? वो भी MCD की गाड़ी थी, वो भी ऐसा नहीं कि अगर किसी की MCD दिल्ली सरकार की गाड़ी थी। सर, अभी तक जो है MCD के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, MCD के कार्यकर्ता भी नहीं पहुँचे हैं, जो कि दिल्ली के अंदर में लगातार जो ये वादे करे जा रहे हैं कि केजरीवाल जी की जो सरकार है वो गरीब और गरीबों के लिए मसीहा की सरकार है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुँचते हैं, जो कि इसको 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये केवल दिखावटी करती है सरकार, गरीबों का खून चूस करके और गरीबों का जो है कि यहाँ तक कि किस तरीके से शोषण कर रही है, आप देखिए, ये दिखाइए उनको, ये किस तरीके का अत्याचार गरीबों के साथ किया गया है। रात 1 बजे की घटना है, अभी 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 महिलाएं बच्चे बिना चाय बिना पानी के यहाँ बैठे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को शर्म नहीं आती? इनके अधिकारी लोग अभी क्या कर रहे हैं? सर, अभी तक इनको अभी तक इनको मुन्ना मुआवजे के लिए कोई बात करी गई, और जो कि RML हॉस्पिटल में मोर्चरी में इनकी बॉडी पड़ी है, उस बॉडी को लाने के लिए भी कहा जा रहा है कि यहाँ के पब्लिक जो है वो लोग वहाँ पर जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में इस केस को दबाने की कोशिश करी गई तब क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, एक भी लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक डेड बॉडी हमारे सामने नहीं आएगी, और इनके मुआवजे की घोषणा जब तक सरकार नहीं करती है, इस तरीके का ये जो है कि बेहोदगी नहीं चलेगी। एक पुलिसकर्मी अगर मारा जाता तो उसको 1 करोड़ रुपए, वो भी सरकारी मुलाजिम है। ये व्यक्ति PWD का काम कर रहा था, सरकार का काम कर रहा था, देश के विकास का काम कर रहा था, आज ये मारे गए तो इनको मुआवजा देने कौन आएगा? अगर इन लोगों के जो मुआवजे की जब बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार उनको बोल देती है कि साल भर के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल है, झूठ बोलते हैं। हमें जो है कि किसी भी तरीके का बहकावा नहीं चाहिए। हमें जो भी काम है बॉडी को झांसी तक भिजवाने का काम सरकार करे, अगर नहीं कर सकती है तो बॉडी दे, बॉडी को मैं भिजवाऊंगा इनके घर तक। और दूसरी चीज, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी जो है लगातार जो इनकी समस्याएं बनी हुई हैं कि ये लोग रात से ही किसी न किसी तरीके से लोग बैठे हुए, बहुत ही दैनिक स्थिति है, पानी पी पी करके गुजारा कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के आज 4 मजदूरों की जो मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन अपनी निगाहें क्यों नहीं इस तरफ लेती है? ये जो फ्री वाला एक इंजेक्शन लगा दिया ना, इससे जनता के साथ साथ शासन प्रशासन भी नपुंसक हो गया। जी, ऐसी गूंगी और बहरी सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसी गूंगी बहरी सरकार के लिए उनके आंख को खोलने के लिए आज जमाड़ा जिस तरह से इकट्ठा हुआ है, यही जो है उनको ऐसा इंजेक्शन लगाएगा कि जिससे उनके सारे होश ठिकाने आएंगे, और इस जनता इस परिवार के लिए उनको आना पड़ेगा, उनके जिम्मेदार जो भी अधिकारी होंगे, चाहे MCD के हों चाहे PWD के हों, जब तक नहीं आएंगे हम नहीं हटेंगे हाथ साथ में। जिस ट्रक ड्राइवर ने यह हादसा किया है उसको कौन सी सजा होनी चाहिए? अगर ऐसे मजदूर, ऐसे लोगों के जो मुजरिम, जो कि ऐसे लोग हैं, गरीब अवस्था के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके ऊपर में ट्रक चला दिया, ऐसे मुजरिम को क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे मुजरिमों को जो ड्राइव एक्ट का कानून प्रावधान बताता है उसके तहत कानून हो, गाड़ी का इंस्पेक्शन हो, किस कंडीशन में गाड़ी वहां से चली, लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर भी उसमें नहीं था, ऐसे अब इसी कंडीशन में आकर के दुर्घटना कर गया, अगर ड्राइवर नहीं था तो किसके भरोसे गाड़ी छोड़ के गया था? MCD तुरंत उसको सस्पेंड करे, सस्पेंड करने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसके बाद जो MCD का फर्ज बनता है, और जो एक्सीडेंट अगर गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होगा, गाड़ी सरकारी है ना, इंश्योरेंस हुआ होगा, एक्सीडेंट करने वाले को इंश्योरेंस भी जो उस परिवार को दिया जाना चाहिए, दिया जाए। जी, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से गरीबों को ऊपर में, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर गरीब की अगर बातों को पैसा दे करके दबाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, क्योंकि इन लोगों को, इन मजदूरों को आवाज को जब उठाने की कोशिश करी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है या नहीं है? सही है ना? सही है। जो इन लोगों की आज कोई बड़ा आदमी मरा होता तो यहाँ 50 नेता इकट्ठा हो गया होता, विधायक भी आ गया होता,
आज मंजूर मारा है कौन बहन यहाँ के, यहाँ का विधायक कौन है, यहाँ का विधायक कौन है? लेडीज है सोमदास। वो यहाँ पर आए या नहीं आए? नहीं आया, नहीं आया। यहाँ का काउंसलर जूतम बच्ची है ना, जूतम बाजी हुई है, तो लोग आराम कर रहे हैं घर में, आराम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कुर्सियां फेंकी जा रही है, एक दूसरे महिलाओं का चोटियों को जो नोचा जा रहा है, वो आप लोगों को सामने टीवी के माध्यम से दिख भी रहा होगा कि आखिर में जब अपनी कुर्सियों के लिए वो लोग इतना अत्याचार कर सकते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए जब वो इतना लड़ सकते हैं, तो आखिर में मजदूरों को लड़ने के लिए कब आएंगे वो, कब नहीं उनकी आँखें खुलती, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके लिए क्या कहना, इसके लिए क्या कहना, सीधी साधी बात है, जैसा हाकिम ने आदेश पारित किया वैसा नीचे मुलाजिम लग गए, मुलाजिम लग गए बिल्कुल। सारे काम आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनकी छोटी सी बात को लेकर के बड़ी बात समझने की कोशिश होगी, बिंदु से लेकर के और अर्श तक जाने की बात होगी। ये उन्होंने वो बात कह दी है कि अगर ऊपर बैठे हुए लोग हैं और नीचे कुर्सी से क्या होता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तमाम जनता के बीच में आज मजदूरों, आज जो मजदूर हैं वो यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, भूखे प्यासे किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर के बैठे। एक बार कैमरामैन से कहूंगा, एक बार इनकी तरफ कैमरा दिखाइए। ये वो मजदूरों के घर के लोग हैं जिन्होंने अपने तपस्या के, अपने बल से आज इस दिल्ली का एक ऐसा विकास करने का जो इन्होंने लिया RWD की तरफ से, लेकिन फिर भी जो है वो इनको मुआवजा तक नहीं मिला, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आखिर में इनका इंसाफ कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल मैं कुछ सवाल आप लोगों के साथ में छोड़े जाता हूँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मजदूरों के ऊपर में हो रहे अत्याचार को आखिर में कौन रोकेगा? दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अपनी नाकामी को साथ में लेकर के आप लोगों को दिख रही होगी, दिल्ली में बढ़ते हुए जो क्राइम है उसको आज तक बंदिश नहीं कर पाई, उसको रोक नहीं पाई, तब इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार आज, दिल्ली सरकार आज आज यहाँ पर इन मजदूरों के लिए नहीं आती, आखिर में इन मजदूरों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ। इसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि लोगों की आँखें खुल सके, लोगों का पता लग सके। सर मैंने बिल्कुल सही कहा या नहीं? एकदम आप सब 100% सत कहें, और जनता की बात को आपने अपनी आत्मा से निकाला है। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को जो है एक पक्ष से नहीं दोनों पक्ष से लेकर के चलना पड़ेगा। अगर मजदूरों की बात को अगर आज जनता तक पहुंचाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान तक अगर पहुंचाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में, उन मजदूरों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय कहीं ना कहीं रुकेगा। अगर 100% में से अगर 10% भी अगर ये अन्याय रुक जाता है हमारी वीडियो के माध्यम से, लोगों की जागरूकता के माध्यम से, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि आज हमने मीडिया के अपनी बातों को रखा और आप लोगों ने हमारी बातों पे अमल किया। जय हिंद।